दिस इज रोशन एंड यू आर वॉचिंग रोशन टेक सिंधी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा साउंड बार सिस्टम परचेस करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड की है और वहाँ पे मैंने 5 बेस्ट साउंड बार अंडर 10,000, 5 बेस्ट साउंड बार अंडर 20,000 की वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड की थी, बट वहाँ पे मैंने रूम साइज के बारे में नहीं बताया था। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका रूम साइज़ कितना है और उस रूम साइज़ के लिए कौन सा साउंड बार कंपेटेबल है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा, यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा साउंड बार बेस्ट है। ओके, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपका रूम साइज़ 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 150 स्क्वायर फीट का है, तब मैं आपको 2.1 चैनल सेटअप वाला साउंड बार रेकमेंड करूँगा। क्योंकि 100 स्क्वायर फीट और 150 स्क्वायर फीट एक स्मॉल रूम साइज़ बन जाता है, तो इस स्मॉल रूम साइज़ के लिए 2.1 चैनल सेटअप वाला साउंड बार बेस्ट बन जाता है। इसमें आपको एक साउंड बार देखने को मिलता है, उसमें 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं, 4 स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और एक डेडिकेटेड 6.5 इंच का बेस ड्राइवर वाला सबवूफर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, 150 स्क्वायर फीट रूम के लिए आपको 120 वाट आरएमएस वाला साउंड बार लेना चाहिए और 160 वाट आरएमएस वाला भी साउंड बार बेस्ट बन जाता है। ओके, 120 वाट और 160 वाट बेस्ट फॉर 100 स्क्वायर फीट टू 150 स्क्वायर फीट रूम। ओके, अगर आपका रूम साइज 200 स्क्वायर फीट का है, तब मैं आपको 200 वाट और 260 वाट आरएमएस का साउंड बार रेकमेंड करूंगा और यहाँ पे भी आपको 2.1 चैनल का ही सेटअप लेना चाहिए। अगर आपका रूम साइज 250 स्क्वायर फीट का है, तो 250 स्क्वायर फीट के लिए आप 300 वाट, 400 वाट या 500 वाट तक के साउंड बार परचेस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको 5.1 चैनल सेटअप वाला ही साउंड बार सिस्टम परचेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूम का साइज बड़ा हो जाता है। तो इस बड़े रूम साइज के लिए 5.1 चैनल बेस्ट कंपेटिबिलिटी बन जाता है। ओके, बेस्ट कंपेटिबिलिटी क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे रूम साइज बड़ा होता है। तो इस बड़े रूम साइज के लिए आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी बेस्ट मिलना चाहिए ना, इस बड़े रूम साइज के लिए। तो यहाँ पे आपको 5.1 चैनल का ही सेटअप लेना चाहिए, तभी आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट सराउंड साउंड की क्वालिटी मिलेगी और 5.1 चैनल का जो डॉल्बी डिजिटल का रियल एक्सपीरियंस है ना, ये आपको मिल सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको 300 से लेकर के 400, 500 वॉट साउंड बार के साथ आप जा सकते हो। ओके, इन साउंड बार को आप परचेस कर सकते हो। अगर आपका रूम साइज 300 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है, 400 या 500 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है, तब मैं आपको 500 वॉट आरएमएस का साउंड बार रेकमेंड करूंगा। 500 टू 800 वॉट आरएमएस का साउंड बार हाईली रेकमेंड करता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूम साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक बड़े रूम साइज के लिए ज़्यादा वॉट का साउंड बार ही आपको लेना चाहिए और उसमें भी 5.1 चैनल का सेटअप होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा, बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसा आप थिएटर में फील करते हो ना, वैसा साउंड एक्सपीरियंस आपको अपने घर पे मिल सकता है। तो उसके लिए आपको 500 वॉट प्लस के साउंड बार को परचेस करना चाहिए, तभी आपको बेस क्वालिटी ग्राउंड शेकिंग मिलेगी, डीप बेस तभी आपको मिलेगी। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप 100 स्क्वायर फीट या 150 स्क्वायर फीट के लिए 400 या 500 वॉट आरएमएस का साउंड बार लेते हो, तो वहाँ पे बेस काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है। बेस ओवर पावर होने की वजह से आपका रूम काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है और आपको डायलॉग्स की क्लेरिटी अच्छी सुनने को नहीं मिलती है, तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक छोटे रूम साइज़ के लिए आपको 120 वॉट या 160 वॉट का साउंड बार ही प्रेफर करना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने यहाँ पे साउंड बार और स्क्वायर फीट बताए हैं, उसके लिए आपको डॉल्बी डिजिटल वाला ही साउंड बार लेना चाहिए, क्योंकि डॉल्बी डिजिटल लेटेस्ट साउंड टेक्नोलॉजी है और डॉल्बी डिजिटल का इस्तेमाल अभी काफ़ी सारे
स्मार्ट टीवी में किया जाता है और काफ़ी सारे अभी चैनल्स भी देखने को मिलते हैं, HD चैनल्स भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको डॉल्बी डिजिटल का साउंड टेक्नोलॉजी मिल जाता है। अगर आप OTT कंटेंट्स देखते हो या मूवीज़ देखते हो तो वहाँ पे भी डॉल्बी डिजिटल साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। डॉल्बी डिजिटल के साउंड टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे आपको एकदम हाई क्वालिटी का थिएटर लाइक साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। यानी दोस्तों, जो मूवीज़ शूट करते वक्त जैसा साउंड रिकॉर्ड होता है वैसा ही रियल साउंड यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्रेस्ड ऑडियो सुनने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एकदम रियल डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो सुनने को मिलता है और यहाँ पे आपको एकदम हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी का साउंड सुनने को मिलता है। तो उसके लिए आपको डॉल्बी डिजिटल का ही साउंड टेक्नोलॉजी वाला साउंड बार परचेस करना चाहिए, तभी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे आपको एक नॉलेज मिल गई होगी कि आपके लिए कौन सा साउंड बार बेस्ट है, आपके रूम का साइज़ कितना है और उस रूम के साइज़ के लिए कौन सा साउंड बार कंपैटिबल है उस रूम साइज़ के लिए, तो वो आपको अभी पता चल गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।